एशिया के पहले आदिवासी कार्डिनल टेलेस्फोर पीटोपो, जिनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ आज संत मारिया गिरजाघर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एशिया के पहले आदिवासी कार्डिनल होने के तौर पर उन्होंने न सिर्फ झारखंड के आदिवासियों का मान बढ़ाया, बल्कि अपने जीवन काल में उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किया। आज ये भीड़ आपको देखकर समझ में आ रही है कि किस तरह से लोग उन्हें चाहते हैं। वर्ष 2003 में उन्हें कार्डिनल की उपाधि दी गई थी। यहीं रांची से टेलेस्फोर पीटोपो ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, जिसके बाद 1969 में स्विट्जरलैंड में उन्हें पहली बार पुरोहित की उपाधि दी गई, जिसके बाद वह वापस तोरपा में संत जोसेफ स्कूल में शिक्षा दी उन्होंने, और 1978 में वह पहली बार दुमका के बिशप नियुक्त किए गए थे, जिसके बाद 2003 में कार्डिनल की उपाधि और लगातार समाज के उत्थान के लिए, समाज से जुड़ी समस्याओं के लिए वह आवाज़ उठाते रहें, और 4 अक्टूबर 2023 उन्होंने अंतिम सांस ली लिविंस हॉस्पिटल, और आज यहां पर उनका पार्थिव शव जो है वो अंतिम दर्शन के लिए इस गिरजाघर में रखा जा रहा है। 3 बजे यहां पर उनका इस गिरजाघर में पहुंचा है, और उनके अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध लोग इंतज़ार कर रहे हैं। रात 8 बजे तक ये भीड़ जो है ये यहीं रहेगी, उनके अंतिम दर्शन करेगी। पुष्प वर्षा के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहां पर स्वागत किया गया। यहां पर मानव श्रृंखला बनाई गई, मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने जो है अपने कार्डिनल का स्वागत किया। यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का सम्मान दिया गया यहाँ पर, और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं एक दर्शन के लिए, बातचीत करते हैं इनसे, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ जुड़ाव है इनका, और किस तरह से आदिवासी समाज के लिए कार्डिनल टेलेस्फोर पीटोपो ने अपना योगदान दिया। यहाँ के लोग संसाधन का उपयोग कैसे करें प्राकृतिक को बचाते हुए, और लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का जनकल्याण कैसे हो, ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उन्नति हो सके। कार्डिनल टेलेस्फोर पीटोपो का निधन दक्षिण छोटा नागपुर के लिए नहीं, झारखंड प्रदेश के लिए नहीं, पूरा भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ा क्षति। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक युग का अंत हो गया, और जो योगदान उन्होंने एक नेतृत्व के रूप में दिया था, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि धर्मगुरु होते हुए भी वो सिर्फ धर्मगुरु नहीं थे, लेकिन उनका योगदान राष्ट्र के निर्माण में अभूतपूर्व रहा था, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आदिवासियों के सशक्तिकरण की बात की थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही थी, देश के हर नागरिक को कैसे जो कमज़ोर तबके का है सभी को मिलाकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे विकास की दिशा में आगे लिया जा सके, उसकी बात उन्होंने की थी। उन्होंने संविधान के आलोक में कैसे हम हर व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बना सकें, उसकी बात कही थी, और इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनकी जो भी प्रेरणाएँ, उन्होंने जो भी सीख हमें दी है, एक सशक्त नेता के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ एक धर्म गुरु के रूप में नहीं, लेकिन एक स्टेट्समैन के रूप में, क्योंकि उनका उनके ताल्लुकात हर प्रकार के, हर तबके के, हर धर्म के लोगों के साथ, राजनेताओं के साथ, लोग राजनेता उनके उनके रेजिडेंस में आकर उनसे मुलाकात करते थे, और इसलिए वो उनके साथ ऐसी ही बातें करते थे ताकि सभी का विकास सामूहिक रूप से हो सके। एक ओर से ये परिवार के लिए और हमें लिए प्रेरणा है, दूसरे ओर से ये बताता है कैथलिक कलीसिया कितनी महान है कि अपने छोटे के बच्चों को ऊपर ला के कार्डिनल बना सकते। छोटे से गांव में झड़गांव मैं कई बार गया हूँ, अभी मई में वहाँ एक ऑर्डिनेशन भी किया, उसी का एक रिश्तेदार का हमने, हमारा बच्चा एजेकियल तोप्पो का, छोटा सा गांव है, गरीब रहा है,
कार्डिनल ने अपने गांव के कुछ करने का कभी नहीं सोचा, समाज को करने का सोचा, पूरे आदिवासी लोगों को करने के सोचा, झारखंड का सोचा। ये महानता कार्डिनल की है, लेकिन उसकी महानता इसमें भी है कि वो एक संघर्ष करने वाला आदमी था। उसको कभी कोई ना नहीं बोल सकता था। मैं कभी कभी उसको ऐसा ही मजाक करके बोलता था, अब तोप्पो है और तोप्पो कभी ना नहीं बोलते हैं। जब उसके मन में कोई एक आइडिया घुसा, किसी तरह वो शांति पहुंचना कैसा है वो देखता था। तो महानता प्रभु से आती है, महानता जो कलीसिया करती है उससे आती है। कलीसिया बड़ा छोटा ऊंचे जाति का, ए जाति का, वो जाति का नहीं देखती है। वैसा ही कार्डिनल ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कौन किसी जाति का है। जो सबसे गरीब था उसका प्यार किया। पहले आदिवासी कार्डिनल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ, समाज के लिए संदेश। पहले आदिवासी होने का उसको गौरव प्राप्त हुआ और आदिवासी, हमारे आदिवासी लोगों को भी यह गौरव प्राप्त है और उचित है। ये पहला आदिवासी कार्डिनल है जो दो पोप के इलेक्शन में भाग लिया, पोप बेनेडिक्ट को इलेक्ट करने के लिए और पोप फ्रांसिस को इलेक्ट करने के लिए। और मुझे गर्व से बोलता था, मजाक करके, हम बहुत मजाक करते थे एक दूसरे के साथ, अरे मैंने तो दो पोप को वोट किया है। तो जब मेरे मिसा के लिए गोवा आया तब लोगों को यही बोला, मैं पोप के पास गया, बोला ये थियोडोर मुझे मेरा बिशप, ऑक्सिलरी बिशप चाहिए, और पोप मुझे ना नहीं बोल सका क्योंकि मैंने उसको वोट किया था। ऐसा किसी को पता नहीं होता है वोट कौन किसको लगाता है, लेकिन ऐसा मजाक करके बहुत बार बोला। तो आज से कल तक का जो कार्यक्रम है और कहां-कहां से बिशप लोग आ रहे हैं, कितने? कल का प्रोग्राम ऐसा है, 6 बजे दोबारा हम दर्शन के लिए यहाँ गिरजा खोलेंगे। 1 बजे लॉयला ग्राउंड में बड़ा मिसा है जिसमें अब तक 30 बिशपों ने आने का हाँ बोला है। 400-500 तक फादर लोग होंगे, हज़ारों सिस्टर लोग होंगे और कई हज़ार हमारे लोग होंगे, साथ साथ हिंदू मुस्लिम सब कुछ है, आने वाले हैं। कल 7:30 और 8 बजे के बीच गवर्नर साहब आएगा अपने अंतिम सम्मान देने के लिए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।